हेलो एवरीवन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से 496 परमानेंट सरकारी नौकरी की जो है एडवर्टीजमेंट आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। बेसिक पे, एचआरए, अदर बेनिफिट, ये सारी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी भी जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बैचलर डिग्री जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन वेबसाइट पर चलेंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है सबसे ऊपर ही आप लोगों को जो है दिखाई देगा डायरेक्ट रिक्रूट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो ध्यान में रखना है 5/2023। यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट तो यहाँ अपडेटेड ऑन 14/10/2023, 14 अक्टूबर को जो है ये एडवर्टीजमेंट आया है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया है, इस पर डाउनलोड करेंगे तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अच्छे तरीके से जो है वो देखेंगे, यदि आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका नाम जो है पोस्ट का जूनियर एग्जीक्यूटिव है। कितनी जो है पोस्ट आई हुई है तो यहाँ पर 496 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी 199 है, ईडब्ल्यूएस में 49 है, ओबीसी की 140 है, एससी की 75 है, एसटी की 33 है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई। उसके बाद जो है यहाँ नीचे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर जो है रेगुलर स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है 3 साल की साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो है यहाँ पर बोलना और लिखना इंग्लिश में जो है वो आपके आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है डिग्री जो है अगर आपके पास है, डिग्री भी मांगी गई है यहाँ पर आईआईटी, आईएएमएस, ठीक है, ये डिग्री जो है वो आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने की हो, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो पास मार्क्स या फिर इसके इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री, ठीक है, आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हैविंग बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउ, इनको अलाउ किया हुआ है तो ये लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट जो है यहाँ पर 27 साल जो है वो लिखी गई है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ दिया जा रहा है। 5 साल की छूट जो है वो मिल रही है एससी एसटी को, 3 साल की छूट जो है वो ओबीसी कैटेगरी को मिल रही है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पर और क्या है, अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 10 साल की जो छूट है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को दी जा रही है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो ध्यान में रखनी है कि अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं और 1 नवंबर से जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। लास्ट डेट जो है रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 नवंबर, ठीक है, तो पूरा जो है वो मंथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने का रहेगा। उसके बाद जो है एक आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा और जिसकी सूचना जो है मेन वेबसाइट पर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी, और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे, ताकि आप लोग अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको जो है एग्जाम के बारे में सूचना मिल सके। ये डेट जो है वो ध्यान में रखिएगा, 1 नवंबर के बाद से जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। पे स्केल जो है वो काफ़ी अच्छा जो है पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सैलरी तो मिलेगी ही और साथ में जो है काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट जैसे एचआरए है, अदर बेनिफिट विद इंक्लूड सीपीएफ है, ग्रेजुएटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स है, ये सारी सुविधाएं जो है वो आप लोगों को सरकार की तरफ से दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर लिखी गई है 1000 रुपीज़, एप्लीकेशन फीस ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है, कैंडिडेट के लिए। ऑनलाइन मोड ही जो है आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।